कल्ट एंड टैबू टाइप की फिल्मों पर आपने कई बार एएलटी बालाजी एंड उल्लू पे देखा होगा, उसमें आपका कई बार कटा होगा उसको देखने के बाद। इसके बाद आपको लगता हो कि वो उससे वाहियात कुछ नहीं देखा, तो कुछ रियल एंड सेंसिबल देखना चाहते हो। नेटफ्लिक्स की सबसे डेंजर एंड ट्रस्टेबल मूवी लव स्टोरीज 2, स्टोरी नंबर 1, मृणाल ठाकुर। भाई ये जो कहानी थी, दादी वाला एलिमेंट, शादी से पहले एक जो इंसान कार खरीदता है तो उससे पहले वो ड्राइव लेता है ना, तो वही स्टोरी नंबर 1 वही है। जिससे पहले वो बहुत बार जो सीन होते हैं उनके साथ, जो सीन होते हैं मृणाल ठाकुर के साथ, वो एक, और खास करके वो जो उनकी दादी का रोल किया है, एक मतलब कि एक सिग्मा दादी कैसी होती है वो इस स्टोरी 1 में दिखाया, और स्टोरी 1 वाकई इट वॉज लिटरली गुड। स्टोरी नंबर 2 एंड माई एंड लॉट्स ऑफ फेवरेट कोकना सेन इन द फ्रंट ऑफ, मतलब सामने ही चमड़ीबाजी हो रही है एंड इधर सामने मिरर लगा हुआ है, यहाँ मिरर लगा हुआ है और पीछे चल रही है, और उसकी जो मकान मालिक एंड नौकरानी के बीच की जो बातें हैं, नौकरानी और उसका हस्बैंड जो कर रहे हैं उसके खुद के रूम में, एंड जो मकान मालिक है वो देख रहा है मिरर के थ्रू, एंड वो लाइफ सेक्स की मतलब कि सॉरी लाइफ वो लाइफ जो चमड़ीबाजी चल रही है मिरर पे, वो देखने के बाद लगता है कि क्या यार एक्चुअल में जो लोग साथ चलता है उनको इस फिल्म में देखने को मिल रहा है यार। एंड दिस इज रियली मतलब कि एक एक्चुअल कोकना सेन ने दिखा दिया कि एक ऐसा टैबू कंटेंट होता क्या है। स्टोरी नंबर 3 विजय वर्मा एंड तमन्ना भाटिया। ये जो विजय वर्मा एंड तमन्ना भाटिया से इस फिल्म को प्रोमोट कर रहे थे, इसके कारण जैसे कि लव स्टोरीज 1 में कियारा आडवाणी को लेकर रहे थे, वैसे इसमें भी ये चीज के वजह से इनको प्रोमोट किया जा रहा था, लेकिन एक्चुअल में ये है क्या। पहला देखो ग्रीन स्क्रीन, मतलब पूरी जो स्क्रीन है पूरा ग्रीन स्क्रीन फील हो रहा है, कितना फर्जी चीजें हैं। एंड दूसरी बात इसका टट्टी स्टोरी लाइन, मतलब कुछ भी यार कहीं भी कुछ भी दिखा दे रहे हो, किसी की बॉडी से आत्मा निकल जा रही ना, सॉरी स्पॉइलर अलर्ट, बट रियली बताऊं ये बहुत अनसेंसिबल स्टोरी थी मन्ना भाटिया वाली। एंड रियली दिस इज अ जोक ऑफ लव स्टोरीज 2, एपिसोड 3 वाज 230। स्टोरी नंबर 4 काजोल की जो कहानी देखने को मिली, पहली बात जो काजोल का हस्बैंड इसने एक्टिंग किया, भाई सुपर एक्टिंग, मतलब एक इंसान की चरम जो 50 प्लस एज होती है मेन की, तो उसके बाद वो कैसा दिखता है वो उस बंदे ने बखूबी निभाया हुआ। एंड उसके बाद जो उसकी जो चमड़ीबाजी की जो नीड होती है, उस नीड को पूरा करने काजोल एक अपने चमड़ीबाजी फ्रेंड से कॉन्ट्रैक्ट करके उसको बुलवाती है, एंड अपने चमड़ीबाज पति की ख्वाहिश अच्छी करने के लिए कि उसकी ख्वाहिश पूरी हो। एंड उसका डार्क ह्यूमर, मतलब इस स्टोरी तो धीरे धीरे ब्राइट थी, लेकिन ये बढ़ आगे बढ़ते बढ़ते जो डार्क पर सोना पे हो जाती, तो ये स्टोरी नंबर 4 सबसे फेवरेट एलिमेंट है। मजाक नहीं बता रहा, अगर आप देखोगे तो कहोगे हाँ एक्चुअल दिस इज कॉल्ड रियल वायलेंस एंड व्हाट आई एम डूइंग, बट एक्चुअली दिस इज रियली एपिसोड 4 वाज लिटरली गुड। देखो मैं अगर रेटिंग की सब बताऊं तो एपिसोड 2, एपिसोड 4, एपिसोड 1 एंड एपिसोड 3 उसको मैं काउंट नहीं करता।